तो मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अब बात करें अपन, देखो पेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत क्या है। पेस्ट मैनेजमेंट में पहले किसी बहुत सारे स्टूडेंटों को एक कंफ्यूजन है, वो क्या रहता है कि सर ये जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोल रहे हो ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो केमिकल यूज में ले रहे हैं ना इंसेक्टीसाइड, वो इंसेक्टीसाइड सारे मिला के एक साथ काम में ले लिया जाए, उसे इंसेक्टीसाइड पेस्ट मैनेजमेंट बोलेंगे, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इसका क्या है, इंटीग्रेटेड मतलब मिलाकर कोऑर्डिनेटेड करके पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट को मैनेज करना है, वो इंसेक्ट का जो लॉस है उसको नहीं होने देना है, ठीक है। और उसमें इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, इकोलो एनवायरमेंटल कंडीशंस को पॉजिटिविटी के साथ रखना है। तो उसके लिए अपन 10 तरह के यानी 10 टाइप्स में उसमें डिवाइड कर रहा हूं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के 10 क्लासिफिकेशन मान रहा हूं या 10 कैटेगरीज में से डिवाइड कर रहा हूं, अलग अलग कैटेगरीज। इन सारी कैटेगरियों को इकट्ठा किया जाए तो हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। हर एक अलग 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 कंडीशन में जाएगा। देखो कल्चरल मेजर, जो एक फार्मर, जो फार्मर इंसेक्टिसाइड को कंट्रोल, इंसेक्ट को कंट्रोल या पेस्ट को कंट्रोल करना चाहता है, उसका एक सबसे की पॉइंट रखना चाहिए उसे क्या, कल्चरल मेजर जो होते हैं, कल्चरल प्रैक्टिस जो होती है उसको वो प्रॉपर तरीके से करे। कैसे, डीप प्लॉविंग करे। सब जानते हैं किसान, हर किसी किसान को पता है कि जैसे अभी जैसे खरीफ रबी की क्रॉप पूरी हो रही है, खरीफ की स्टार्ट होने वाली है, तो अभी जो गर्मी है इस गर्मी के बीच में अगर वहां डीप प्लॉइंग कर दी जाए, ठीक है, तो जो मिट्टी है वो मिट्टी नीचे से अगर वापस ऊपर आएगी तो उसमें वो इंसेक्ट के एग होंगे, वो एग क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ऐसा कुछ जानते हैं, बहुत सारी कंडीशंस है जिससे एक डीप प्लॉइंग एक बहुत अच्छा पॉइंट एग्जांपल बता रहा हूं। मैं इस कल्चरल प्रैक्टिस को अलग से लेकर चलूंगा, तो मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं। जैसे फार्मर का कंडीशन है ये, सेकेंड कंडीशन क्या, मैकेनिकल फिजिकल, यानी कि एक फार्मर खुद के लेवल पे कंट्रोल करे, इंसेक्ट आ रहा है तो इंसेक्ट को क्या किया जाए। ये वैसे ज्यादा मेजर कंट्रोल नहीं है, माइनर कंट्रोल है, पर ऐसे है कि अगर मान लो हम एक लिमिटेड एरिया में क्रॉप कर रखी है या कोई क्रॉप सिस्टम चल रहा है या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस चल रही है, तो आप क्या कर रहे हो, या कोई ट्रायल चल रही है, तो उसमें मैकेनिकली जैसे हमने उन्हें कैप्चर करने के लिए हमने उन्हें क्या कर लिया, ट्रैप ले लिए, ट्रैप से इंसेक्टों को पकड़ लिया, ठीक है। वैसे मैं बोल रहा हूँ माइनर प्रैक्टिस है ये। फिर बायोलॉजिकल मेजर, बायोलॉजिकल मेजर में आप क्या करने वाले होते हो कि जैसे मैं आप कह रहा हूं इंसेक्ट आएगा, है ना, तो इंसेक्ट आएगा तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ऐसे लिविंग प्रेडेटर्स, ऐसे पैरासाइट्स अगर उस फील्ड में छोड़ दूं तो वो क्या करेंगे, बायोलॉजिकली कंट्रोल कर लेंगे। केमिकल्स, कुछ ऐसे केमिकल ले लिए जाए जो अपन इंसेक्टिसाइड बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड आपको मैंने पढ़ाया, उन इंसेक्टिसाइड में से अपन केमिकल को यूज में लेके भी बहुत सारे इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे तो केमिकल से कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर पेस्ट सर्विलेंस, कहने का मतलब ये हुआ कि पेस्ट जो है, जो इंसेक्ट का अटैक जो है वो अगर आपको उसके लिए पहचान रखनी चाहिए। जैसे ऐसा तो नहीं एक ही दिन में इंसेक्ट कवर कर जाता है, पहले इंसेक्ट लार्वा होता है, एग से लार्वा, तो इंसेक्ट को बार बार अगर फील्ड को विजिट करोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसमें इंसेक्ट या पेस्ट का अटैक होने वाला है या नहीं है। नहीं तो आपको पहले इंडिकेशन नहीं देगा तो ऐसे तो यानी रातों रात चेंज हो जाता है, पर ये जरूर है कि वो एक लिमिट ETL का जो है ना थ्रेशोल्ड लेवल जब कवर कर जाता है ना, तो उसके बाद में वो कंट्रोल नहीं होता, फिर वो रातों रात ही साफ कर देता है उस फील्ड को। तो पेस्ट की सर्वेलेंस रखनी जरूरी है इसमें मैनेजमेंट में। फिर बात करें फोरकास्टिंग ऑफ पेस्ट अटैक, आपको कन्फर्म हो जाना चाहिए कि एनवायरमेंट, जैसे ऐसे बोलते हैं ना फार्मर बोलते हैं कि अब है ना ह्यूमिड एरिया आ रहा है, बारिश नहीं आ रही और ऐसे उमस वाले टाइम हो रहा है, ऐसी बीमारी लगेगी, ऐसे इंसेक्टों का अटैक होगा, वो फोरकास्टिंग भी आपकी हेल्प करेगी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में। हमने क्या बोला, हमने बोला ये 10 प्रैक्टिस आपको कंबाइंड रखनी चाहिए, तब आप किसी भी इंसेक्ट या पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये आपको ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं दे रही है, सारे कंट्रोल मेजर काम में लेके चलेंगे। तो फिर क्वारंटाइन मेजर का ध्यान रखना चाहिए। क्वारंटाइन का मतलब आपको पहले से उसे चेक करके और फिर यूज में लेना चाहिए। आपको पता है कि मेरे इस फील्ड में ऐसा पेस्ट आता है, ठीक है, तो आप उस पेस्ट को लाने, उस वैरायटी को लाने के लिए पहले तो उस वैरायटी को लेके आओ जो वैरायटी से कंट्रोल हो जाता हो। कहने का मतलब ऐसी वैरायटी लगाओ कि उसमें इंसेक्ट या पेस्ट का कोई अटैक ही नहीं हो, या अटैक हो तो उसमें वो सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे, उसमें कोई
सर ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट, ज्यादा नेगेटिव प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाले, है ना। और क्वारंटाइन क्या कर लो, आप जिस फील्ड, जिस वैरायटी को यूज में ले रहे हो, जिस तरह के आपने उसमें कल्चरल प्रैक्टिस ली हुई है, क्या उनमें, तो उनमें उन्हें चेक करके रखो, उन्हें साफ। वो क्या हो सकता है कि आपने एग, आपने जिस वैरायटी को जाके गेहूं को अगर खेत में ले जाके डाला है, उसमें पहले से इंसेक्ट लगे हुए, ठीक है, तो इंसेक्ट है, तो इसका मतलब क्वारंटाइन मेजर रखना चाहिए। नहीं तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आउट ऑफ इंडिया से कितने ही इंसेक्ट पेस्ट निमेटोड, नहीं आपको बताया वो गाजर घास है, पार्थेनियम है ना, वो क्या है, पार्थेनियम क्या है, क्वारंटाइन की मिस्टेक से ही हुई ना उसकी, उसमें उसको क्वारंटाइन किया नहीं और वो आ गया किसके साथ, सीड्स के साथ आ गया, वो आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो क्वारंटाइन मेजर भी काम में लेना चाहिए इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट में, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड, कैसे आपको ऐसी एक्टिविटीज की जरूरत है जिसे, जैसे कि आपने मेल स्टेरलाइज जो प्रोसेस होती है वो काम में ले ली, उससे क्या होगा, उससे अगर आपने उसे यूज में लिया तो पेस्ट पर उसका अटैक नहीं आएगा, ठीक है। अब बात ये कैसे नहीं आएगा, अपन उसके बारे में हर पॉइंट को डिस्कस करने वाले होंगे। मैं केवल अभी तक आपको ये बताऊंगा कि इतने टाइप्स इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के हैं, इतने कंट्रोल मेजर हैं, इन 10 कंट्रोल मेजर में से आपको मैक्सिमम आउट ऑफ टेन आपको कम से कम 5 से 6 तो पेस्ट मैनेजमेंट का वर्क लेना ही चाहिए, तो वो आपका जो पेस्ट का टैग है वो बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। फिर यूज ऑफ आईजीआर, ये आईजीआर क्या है, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स, है ना, तो इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर जो है, जैसे आपने इंसेक्ट की ग्रोथ होती है उसमें आपने क्या कर रहे हो, फेरोमोन्स को यूज में ले रहे हो, है ना, या फिर उस फेरोमोन्स से ट्रैप कर रहे हो ना, फेरोमोन्स को यूज लेके उसे ट्रैप कर रहे हो इंसेक्ट को, या फिर रिपेलेंट आप ऐसी चीज लगा रहे हो जिसके कारण उसकी स्मेल से इंसेक्ट रुके ही नहीं, आए ही नहीं, है ना, ये सब कंट्रोल क्या होते हैं, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर के। तो ये जो मैंने 10 मेजर बताए, इन 10 मेजर में मैं अब जो अगली क्लास कल जो लूंगा, उस कल की क्लास में मैं इन कम से कम 2-4 मेजर को कवर करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल, थैंक यू।